मोटर इंश्योरेंस के फीचर्स के बारे में बात करेंगे क्विकली। तो क्या फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हमारे मोटर इंश्योरेंस के प्रीमियम को? तो व्हीकल रिलेटेड फीचर्स हैं, इंश्योरेंस रिलेटेड फीचर्स हैं, फिर डेमोग्राफिक्स रिलेटेड फीचर्स हैं। ये क्या हैं देखते हैं। तो व्हीकल रिलेटेड फीचर में क्या है कि सबसे पहले कार का मैन्युफैक्चरर, तो कार के मैन्युफैक्चरर में आप देखेंगे कि मारुति की जो गाड़ियां होती है, मान लीजिए मारुति की गाड़ियों में क्लेम बहुत ही कम आता है, मान एक एग्जांपल लेते हैं, और मारुति की गाड़ियों में क्लेम बहुत ही कम आता है, और साथ ही साथ मारुति की गाड़ियों में जो खर्चा होता है क्लेम आने पे, वो खर्चा भी कम होता है। तो मारुति की गाड़ियों पे जो प्रीमियम है वो प्रीमियम भी कम होता है। तो जिस मैन्युफैक्चरर का क्लेम ज्यादा आता है उस पर प्रीमियम ज्यादा होता है। दूसरा, व्हीकल जितना पुराना होता जाता है उतनी व्हीकल की वैल्यू कम गिरती है, और वैल्यू के हिसाब से प्रीमियम आता है, तो प्रीमियम का अमाउंट कम हो जाता है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर तो हर 1000 रुपए की वैल्यू, गाड़ी की वैल्यू पे कितना प्रीमियम देना पड़ रहा है ये कंपेयर करेंगे, तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे व्हीकल की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे व्हीकल का जो हर 1000 रुपए की वैल्यू का प्रीमियम जो है वो बढ़ते जाता है। ठीक है, ओवरऑल प्रीमियम कम है पर गाड़ी की वैल्यू के हिसाब से जो प्रीमियम बन रहा है, और वैल्यू वैल्यू पे कंपेयर करें कि वैल्यू भी तो कम हो गई ना, वैल्यू पे कंपेयर करें तो फिर प्रीमियम ओवरऑल हर 1000 रुपए की वैल्यू बनाने के लिए जो प्रीमियम दे रहे हैं वो प्रीमियम बढ़ रहा है। उसका कारण बहुत सिंपल सा है, गाड़ी पुरानी होती जाती है उसमें जो खर्चा होता है वो खर्चा बढ़ते जाता है, और खर्चा बढ़ते जाता है तो फिर इंश्योरेंस अगर कोई क्लेम करने जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी का ज्यादा खर्चा होगा, तो इसलिए ऑब्वियसली वो प्रीमियम पर 1000 रुपए की वैल्यू पे प्रीमियम ज्यादा लेती है। तीसरी चीज है इंजन कैपेसिटी ऑफ द व्हीकल। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, जैसे जैसे इंजन कैपेसिटी बढ़ती जाती है, 1000 सीसी से 1500 सीसी, 1500 सीसी के ऊपर भी 2000 सीसी जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे गाड़ी का प्रीमियम बढ़ते जाता है। ड्राइविंग रिकॉर्ड, अगर तो आप ऐसे ड्राइवर हैं जिसने पास्ट में बहुत सारे क्लेम्स लिए हैं तो इंश्योरेंस कंपनी को पता है कि भाई आप तो क्लेम्स बहुत लेते हो, मतलब आप तो एक्सीडेंट बहुत ज्यादा करते हो, तो आपका प्रीमियम ऑटोमेटिकली हाई कर देते हैं। सेफ्टी फीचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके कस्टमर की, क्लाइंट की गाड़ी के अंदर कोई सेफ्टी फीचर है, एंटी थेफ्ट अलार्म है या फिर कोई और सेफ्टी फीचर है, तो आपको अपने कस्टमर को बताना चाहिए कि वो अपनी जो बेसिकली प्रपोजल फॉर्म है उस प्रपोजल फॉर्म के अंदर क्लियरली लिखे कि मेरी गाड़ी में ये सेफ्टी फीचर है, क्योंकि सेफ्टी फीचर्स अगर होंगे तो गाड़ी का प्रीमियम कम हो जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, 2-3-4-5% डिस्काउंट मिल जाता है। दूसरा है इंश्योरेंस रिलेटेड फीचर्स जो कि आपके प्रीमियम को अफेक्ट करते हैं। तो एक है एनसीबी, नो क्लेम बोनस। अच्छा, मोटर इंश्योरेंस के अंदर नो क्लेम बोनस क्या होता है? तो मान लीजिए आपने आज इंश्योरेंस करवाया अपनी गाड़ी का, आपकी गाड़ी है स्विफ्ट, ठीक है, स्विफ्ट का आपने इंश्योरेंस करवाया, आपका प्रीमियम आया 10,000 रुपए, ठीक है। अब आप, आपकी गाड़ी की कुछ वैल्यू थी 5 लाख रुपए, ठीक है, प्रीमियम आया 10,000 रुपए। अब आपने इस साल गाड़ी चलाई, एक्सीडेंट हुआ नहीं, ठीक है, और आपने एक्सीडेंट नहीं हुआ तो आपने अगले साल उस साल कोई क्लेम नहीं लिया, अगले साल जब आप रिन्यू करवाने गए तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा आपने कोई क्लेम नहीं लिया इसलिए अब आपका प्रीमियम तो बन रहा है 10,000 रुपए, पर आपको 20% की छूट दे देंगे, तो अब आपका प्रीमियम कितना बना? 8,000 रुपए। फायदा किसका हुआ? आपका, क्योंकि आपको 8,000 रुपए, आपने क्लेम नहीं लिया इसलिए आपको 2,000 रुपए की छूट मिल गई, आपका 8,000 रुपए का प्रीमियम बना। दूसरी चीज, दूसरा सिनेरियो कि आप गाड़ी ले, आपने गाड़ी ले रखी है, ठीक है, आपने गाड़ी ले रखी है और आप बेसिकली आपका एक्सीडेंट हो भी जाता छोटा मोटा, आपका खर्चा आया 1,000 रुपए का, 1,500 रुपए, ठीक है, पर आपने क्लेम ले लिया तो आपके नाम पे क्लेम चढ़ गया। वहीं पे अगर 1,000-1,500 रुपए का क्लेम नहीं लेते तो 2,000 का फायदा प्रीमियम में बैठ रहा था आपका, क्योंकि 20% आपको एनसीबी मिल रही थी। एक और सिनेरियो बताता हूं मैं, इंटरेस्टिंग सिनेरियो। 4 साल हो गए आपकी गाड़ी को और 4 साल तक आपने क्लेम नहीं लिया, तो आपको पता है एनसीबी जो आपको मिलता है वो 50% है। अगर आपका प्रीमियम 10,000 रुपए हो तो आपको 5,000 का प्रीमियम पड़ेगा, 5,000 आपके ऑफ हो जाएंगे। पर अगर आपने क्लेम ले लिया उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 1,000-1,500 रुपए के लिए, छोटी सी चीज के लिए, तो फिर वो पूरा का पूरा एनसीबी आपका जीरो हो जाता। तो एनसीबी कैसे बढ़ता है? पहले साल 20%, दूसरे साल 30, तीसरे साल बेसिकली 40, मतलब एक साल ना लो तो दूसरे साल आपको 20% मिलता है, तीसरे साल 30% मिलता है, चौथे साल 40% मिलता है, और पांचवें साल आपको 50% एनसीबी मिलता है।
तो ये 20-50% तक वेरी करता है, पर ये तभी होता है जब कंटिन्यूअसली क्लेम फ्री साल चल रहा हो, कंटिन्यूअसली क्लेम नहीं ले रहे हो आप, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। तो एनसीबी छोटा मोटे, हमें अपने कस्टमर को समझाना चाहिए कि छोटे मोटे क्लेम्स नहीं लेने चाहिए, छोटे मोटे क्लेम्स अपनी जेब से कर दो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, थर्ड पार्टी लेनी है या कॉम्प्रिहेंसिव लेनी है या स्टैंड अलोन ओडी लेनी है। तो इन सब पे डिपेंड करता है कि आपका जो प्रीमियम है वो कितना प्रीमियम जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज है डिडक्टेबल अमाउंट। डिडक्टेबल अमाउंट क्या होता है? अगर तो हेल्थ इंश्योरेंस के वेबिनार भी किसी ने अटेंड किया होगा तो उनको पता है कि डिडक्टेबल अमाउंट क्या होता है। तो मान लीजिए आपने 5 लाख आईडीबी का अपना एक इंश्योरेंस करवाया जिसके प्रीमियम आया 10,000 रुपए, पर अगर आप बोलते हैं कि मैं उस 5 लाख में से पहले 20,000 का खर्चा अपनी जेब से दे दूंगा, उस 5 लाख में से पहले 20,000 का खर्चा अपनी जेब से दे दूंगा, तो आपका जो प्रीमियम है वो 10,000 से घटके प्रॉब्ली 6,000 या 7,000 रह जाता है। मतलब जितना आप डिडक्टेबल लेते हैं, जितना आप बोलते हैं कि मैं अपनी जेब से दे दूंगा, जितना ज्यादा अमाउंट वो होता है उतना ही कम आपका प्रीमियम भी होता जाता है। उसके बाद में है एडऑन्स। बहुत सारे एडऑन्स होते हैं, नई नई गाड़ी खरीदते हैं, हर कोई जीरो डेप्रिसिएशन लेता है। जब भी कभी कोई नई गाड़ी लेता है हमेशा उसको सजेस्ट कीजिए कि वो जीरो डेप ले, जीरो डेप्रिसिएशन ले। उसमें फायदा क्या होता है कि एक तो एक साल के अंदर अनलिमिटेड क्लेम्स मिलते हैं, दूसरा पूरी गाड़ी रिहॉल हो जाती है, पूरी गाड़ी में जो भी छोटा मोटा स्क्रेमिसेस से लेकर बड़े से बड़ी चीज तक, ठीक है, हर चीज कवर हो जाती है, ठीक है। तो जीरो डेप्रिसिएशन का अलग से प्रीमियम जाता है, ठीक है। ऐसे ही हर एड ऑन का एक अलग से प्रीमियम, अलग से अमाउंट इंक्रीज होता है। तो जीरो डेप, जो अगर नई गाड़ी है तो जीरो डेप लेना चाहिए, मेरा मानना ऐसा है। तो आप अपने कस्टमर को भी पिच कीजिए जीरो डेप ले वो, ठीक है, जीरो डेप्रिसिएशन कवर। इसके अलावा कंज्यूमेबल कवर्स होते हैं, लॉक इन की कवर होते हैं, ये सब देखेंगे आप हम अभी आगे। और उसके बाद में लास्ट चीज है आईडीबी। तो हर इंश्योरेंस कंपनी एक रेंज देती है कि जैसे कि आपकी गाड़ी है तो आपकी गाड़ी का 3-5 लाख के बीच में आईडीबी हो सकता है, वो आपको बताना है आपको आईडीबी कितना चाहिए। अब पता है इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि आईडीबी एक ऐसी वैल्यू है, ठीक है, जो सबको लगता है कि हमें तो मैक्सिमम चाहिए, पर वो गलत है, वो सोच गलत है। क्योंकि आईडीबी पूरे की पूरी वैल्यू का इंपॉर्टेंस कब है, जब आपकी गाड़ी चोरी हो गई हो या आपकी गाड़ी को टोटल डैमेज हो गया, पिलर विलर प्रॉपर डैमेज हो गया, मतलब ऐसा एक्सीडेंट हुआ है कि आपकी गाड़ी पूरी खत्म हो चुकी है, अब उसका कुछ हो ही नहीं सकता। वही एक सिनेरियो है, दो सिनेरियोस हैं जब आपकी गाड़ी की पूरी वैल्यू का अमाउंट आपको मिल सकता है। अदरवाइज बाकी सब सिनेरियो में आपकी आपका जो खर्चा आता है, जो खर्चा 20-30-40-50,000 रुपए होता है, ठीक है, वो खर्चा कवर करने के लिए आपको आईडीबी बहुत बड़ा रखने की जरूरत है नहीं। अब जबरदस्ती आईडीबी बढ़ेगा आपका प्रीमियम बढ़ेगा, जबरदस्ती आईडीबी बढ़ा के हर साल प्रीमियम ज्यादा देने का कोई पॉइंट नहीं है। आईडीबी उतना रखिए जितना आपको सूटेबल है, जो कि आपको चल जाएगा। और आईडीबी जितना ज्यादा होगा प्रीमियम उतना ज्यादा होगा, आईडीबी जितना कम होगा प्रीमियम उतना कम होगा, ये देखने वाली चीज है। तो अपने कस्टमर को जिसको लग रहा है कि प्रीमियम ज्यादा है तो उसको समझाइए कि आईडीबी वैल्यू कम कर लिए। फिर कुछ फीचर्स होते हैं डेमोग्राफिक रिलेटेड फीचर्स, जो कि रिलेटिवली बहुत ही कम इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर, मतलब बहुत ही कम फर्क पड़ता है इसका इंश्योरेंस के प्रीमियम पे, पर फर्क पड़ता है। तो ये फीचर्स क्या होते हैं? एक है जेंडर, एज। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि अगर तो एक यंग मेल है 18-25 साल की उम्र का और एक फीमेल है 18-25 साल की उम्र की, तो इंश्योरेंस कंपनीज का मानना है कि जो फीमेल है वो ज्यादा अच्छे से गाड़ी चलाती है, रिस्क ही कम होता है, और जो मेल है वो उतने अच्छे से गाड़ी नहीं चलाता, तो मेल का प्रीमियम ज्यादा आता है। लोकेशन, अगर आप मेट्रो सिटी में हैं तो आपका प्रीमियम ज्यादा आएगा क्योंकि एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं, और अगर नॉन मेट्रो में है तो प्रीमियम कम आएगा। प्रोफेशन, अगर आपकी जॉब ऐसी है जिसमें आप ट्रेवलर है, हाई रिस्क जॉब है, ठीक है, जर्नलिस्ट है, सेल्समैन है, तो आपका प्रीमियम ज्यादा आएगा, अदरवाइज आपका प्रीमियम कम आएगा। अगर आप मैरिड है तो आपका प्रीमियम कम आएगा, अगर नॉन मैरिड है, सिंगल है, तो ज्यादा आएगा। तो अच्छा, उसके बाद में एक हमने चीज देखी थी एडऑन्स, कि कुछ एडऑन्स हैं जिनकी वजह से प्रीमियम बढ़ जाता है, पर वो एडऑन्स बहुत ही फायदेमंद भी होते हैं। तो एडऑन्स क्या होते हैं, कुछ एक एडऑन्स के बारे में बताना चाहूंगा क्विकली। जीरो डिप्रिसिएशन के बारे में हमने बात की, जीरो डिप्रिसिएशन काफी यूजफुल है आपके कंज्यूमर के लिए। फिर हमने बात की रोड साइड असिस्टेंस के बारे में,
रोड साइड असिस्टेंस में क्या होता है कि आपकी कस्टमर की गाड़ी अगर कहीं पे भी किसी भी टाइम पे किसी रोड पे बाहर आउटडोर में स्टक हो जाती है, रुक जाती है, तो वो जो जो रुकी हुई गाड़ी है ठीक है, उसको आपकी इंश्योरेंस कंपनी सपोर्ट के लिए एक गाड़ी भेजती है जो उसको टो कर सकती है, जो उस गाड़ी में जंप स्टार्ट करवा सकती है, पंचर हो गया तो पंचर रिपेयर कर सकती है, तो उसको बोलते हैं रोड साइड असिस्टेंस। और जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो अलग से ये प्रोवाइड करवाती हैं, पर इसके लिए हल्का सा प्रीमियम एक्स्ट्रा देना पड़ता है। इंजन प्रोटेक्टर, कि इंजन में हुए नुकसान को प्रोटेक्ट करने के लिए इंजन प्रोटेक्टर होता है। लॉस ऑफ बिलोंगिंग्स, अगर आपके गाड़ी में सामान पड़ा था, आपका पर्सनल बैग पड़ा था, वैसे तो वो कवर नहीं होगा, पर अगर तो आपने लॉस ऑफ बिलोंगिंग ले रखा है तो वो कवर होगा। मेडिकल कवर, पर्सनल एक्सीडेंटल कवर के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। नॉन इलेक्ट्रिक एक्सेसरीज, एनसीबी प्रोटेक्शन। एनसीबी प्रोटेक्शन क्या होता है कि आपके एक साल पे क्लेम लेने पे आपका एनसीबी तो चले जाएगा, वो 20% की जगह 0% हो जाएगा, पर यहाँ पे आपको एनसीबी प्रोटेक्शन मिलता है कि एनसीबी जो भी आपका अगर 20% आना था और जीरो हो गया है, अगर आपने एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ले लिया है तो 20% कंसिडर हो जाता है। की एंड लॉक कवर, की एंड लॉक कवर ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अगर कोई होंडा सिटी ड्राइव करता है ठीक है, या फिर और भी कोई मारुति का बेसिकली बलेनो बलेनो ड्राइव करता है, या फिर कोई भी थोड़ी सी हायर रेंज की गाड़ी ड्राइव करता है, तो उनको पता है कि उनके जो लॉक्स होते हैं ठीक है, वो लॉक्स जो होते हैं की लॉक बेसिकली इंजन स्टार्ट करने वाला लॉक भी, बाहर का जो गेट का लॉक भी होता है, ये सारे लॉक्स ऐसे होते हैं जो कि एक साथ रिप्लेस होते हैं पूरा का पूरा, और इनका जो खर्चा होता है वो 10 से 15 हजार रुपए के बीच में आता है। आप सोच सकते हैं, या तो आप मार्केट में जाके उसको तुड़वा के ठीक है उसका इलाज करवाइए, या फिर 10,000 रुपए देने पड़ जाते हैं आपको उस लॉक को चेंज करवाने के, बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इसको कवर करने के लिए भी अलग से एड ऑन आता है।